ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे शिवजी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, लड्डू बांटने की शुरू कर दीजिए तैयारी। इस राशि को 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 मई को मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा इन 7 दिनों में इन कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। इन विशेष राशि वालों को अब मिलेगी बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहूँगा कि भगवान भोलेनाथ 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर अब 22 मई से 28 मई 2023 तक के समय में इन 7 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इनके ऊपर बेहद प्रसन्न हो गए हैं, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपार खुशियाँ ही खुशियाँ। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब इन राशि वालों के जीवन में दुख दर्द और कोई भी संकट नहीं रहने वाला, जिससे कि अब इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। दोस्तों, आखिर यह भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी है जिनका भाग्य भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कल सुबह होते ही चमकने वाला है और इन राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप लोग मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय भोलेनाथ हर हर महादेव अवश्य लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। जी हाँ, जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। गौरतलब है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, वहीं अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान शिव को देवों का देव महादेव भी कहा जाता है, यानी धार्मिक शास्त्रों में या धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहद ऊँचा है। हालांकि भगवान शिव स्वभाव से जितने भोले माने जाते हैं उतना ही उन्हें क्रोध भी आता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करना बेहद आसान है और भगवान भोलेनाथ अब विशेष रूप से कल से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं। इन व्यक्तियों पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी रहेगी, यकीनन इनका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा 22 मई से 28 मई के दरमियान इन 7 दिनों में बहुत ही ज़्यादा भगवान भोलेनाथ की कृपा इन राशियों पर रहने वाली है और इस 7 दिनों में इनका भाग्य सातवें आसमान पर रहेगा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी इनको। दोस्तों, बता दें कि भगवान शिव की कृपा इन राशि वालों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन लाने वाली है। इन राशि वालों के जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। दोस्तों, जिन खुशकिस्मत और यानी कि भाग्यशाली राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं उनमें से सबसे पहली जो राशि आती है यानी कि वो राशि है वृषभ राशि। दोस्तों, बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से 22 मई से 28 मई के दरमियान आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कई बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी, जो कुछ भी समस्याएं थी, जो कुछ भी परेशानियां थी वो दूर होंगी, इनकम बढ़ेगा, धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे, कई बड़े प्रमुख कार्य भी बनेंगे, जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, धन संपत्ति का लाभ होगा, तेजी से मुनाफा प्राप्त होगा, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक धन लाभ होगा, लगातार पेंडिंग काम पूरा करेंगे, जो कुछ कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं, साथ ही साथ धन संपत्ति का लाभ होगा, कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा, वर्षों की खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। अगली राशि है कर्क राशि। बता दें कि अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन 7 दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी, संतान को लेकर, नौकरी को लेकर, बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण डील को लेकर, जिससे आपके जीवन में अनेकों प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, लाभ के योग बनेंगे और बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। बता दें कि इसमें जो भी कार्य करेंगे सफलता की प्राप्ति होगी, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी, नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही अगर किसी प्रकार की समस्या थी जीवन में तो समस्याएँ दूर होंगी और
धन लाभ के बड़े अवसर प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, जो पेंडिंग काम है, अधूरे कार्य हैं, वो कार्य पूरा करेंगे। बता दें कि आपकी किस्मत सातवें आसमान पर रहेगी। अगली राशि है दोस्तों बता दें तुला राशि। तुला राशि को बता दें कि अब भगवान भोलेनाथ इन सात दिनों में आपके कैरियर में, व्यापार में बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नई जॉब लगेगी, बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। सरकारी नौकरी वालों को प्रतिष्ठा और पद सब कुछ मिलेगा। नए कार्यों का प्रारंभ करेंगे, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपको अधिक से अधिक यानी कि लाभ भी देखने को मिलेगा। जो कार्य पेंडिंग थे वो पूरा होंगे। इस समय में आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश जा सकते हैं। कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता प्राप्त होगी, इनकम बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको घर परिवार को लेकर भी बड़ी खुशखबरी, गाड़ी वाहन को लेकर बड़ी खुशखबरी मिलेगी और नया वाहन खरीद सकते हैं। भाई बहनों के बीच संबंध मधुर रहेंगे, अवैध जातकों के विवाह के योग बनेंगे। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि को बता दें कि अब आपकी किस्मत सातवें आसमान पर रहेगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन सात दिनों में आपको संतान को लेकर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। प्रेम जीवन में खुशियां, लव पार्टनर को कुछ गिफ्ट उपहार देंगे, उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताएंगे। साथ ही साथ बता दें कि इसमें बैंक बैलेंस बढ़ेगा और राजनीति से दूरी बनाए रखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ बता दें कि इस अवधि में आपके द्वारा लिए गए लोन चुका पाएंगे, जमीन प्रॉपर्टी खरीदारी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, नए घर का निर्माण करेंगे, नई जॉब आपको प्राइवेट कंपनी में लगने का इसमें यानी कि आ सकता है, जो आपने अप्लाई किया था जिससे लाभ होगा। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। अगली राशि है दोस्तों बता दें वो है यहाँ पर कुंभ राशि। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपकी किस्मत बहुत ही लकी और बहुत ही शुभ रहेगी। कुछ भी कार्य, महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, जो काफ़ी समय से अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए इसमें आमदनी के नए धन के स्रोत खुलेंगे और कई बड़ी प्रमुख आमदनी के स्रोत बनेंगे। जो कार्य अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा से इन सात दिनों में इन राशियों का भाग बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही यानी कि खुशनसीबी वाली राशि वाले रहेंगे। और दोस्तों बता दें कि पति पत्नी के बीच संबंध मधुर रहेंगे और साथ ही साथ कुछ इनकम बड़ी तेजी से बढ़ेगी। जो इनकम अभी तक रुकी हुई थी वो बढ़ेगी। कई बड़े प्रमुख धन के स्रोत नजर आएंगे और विदेश से धन आएगा और साथ ही साथ इसमें यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा से भी आप लोगों को विशेष लाभ होगा। कुछ ऐसे कार्य करेंगे जो काफ़ी प्रशंसनीय होगा। समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होती नजर आएगी। बड़े प्रमुख कार्य करेंगे। दोस्तों ये थी वो राशियाँ जो काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगी इन सात दिनों में। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भोलेनाथ।